ये है हमारा जेनेक्स बजट स्पेशल, टैक्स चोर सावधान। ये हमारी टैक्स हेल्पलाइन है जिसके जरिए हम आपकी मदद करने जा रहे हैं, और हमारा कहना यही है कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनकी अब खैर नहीं। हम भी ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको समझाएं। दरअसल वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स चोरों पर नकेल कसते हुए उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया है। न केवल कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी है बल्कि टैक्स अधिकारियों को ज्यादा अधिकार भी दे दिए हैं। ब्लैक मनी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने बजट में जहां ईमानदारों का सम्मान बनाए रखने का वादा किया, वहीं टैक्स चोरों के लिए मुश्किल और बढ़ा दी है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए वित्त मंत्री ने टैक्स चोरों पर शिकंजा कसा है, जिन्होंने बिना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी चुकाए बिना 1 अक्टूबर 2004 से पहले अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। ऐसे लोगों को अब 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके साथ ही काले धन पर बनी एसआईटी की सिफारिश को मानते हुए सरकार ने 3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। बढ़ते डिजिटाइजेशन से सभी बड़े ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार ने सभी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कैश डोनेशन की सीमा 10,000 से घटाकर 2,000 कर दी है। टैक्स चोरों पर लगाम लगाने के लिए बजट में टैक्स अधिकारियों को और अधिकार दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2017 से धांधली का अंदेशा होने पर टैक्स अधिकारियों को अब तलाशी और जब्ती का अधिकार होगा। यहां तक कि टैक्स अधिकारियों को चैरिटेबल संस्थाओं के सर्वे का भी अधिकार होगा। खास बात यह है कि जांच और पूछताछ के लिए उन्हें हायर अथॉरिटी से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 2015-16 में टैक्स रिटर्न भरने वाले 3.7 करोड़ लोगों में से 99 लाख की इनकम 2.5 लाख से कम, 1.95 करोड़ की इनकम 2.5 से 5 लाख, 52 लाख की इनकम 5 से 10 लाख और केवल 24 लाख की इनकम 10 लाख से ज्यादा थी। इनमें भी 5 लाख से ज्यादा इनकम वाले 76 लाख लोगों में से 56 लाख सैलरी क्लास से हैं। 50 लाख से ज्यादा इनकम वाले देश में केवल 1.72 लाख लोग ही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में 1.25 करोड़ कारें बिकी, जबकि 2015 में विदेश यात्रा करने वाले 2 करोड़ लोग रहे हैं। आउट ऑफ 76 लाख इंडिविजुअल असेसी हु डिक्लेयर इनकम अबव 5 लाख, 56 लाख आर इन द सैलरीड क्लास। यानी 76 लाख लोग 5 लाख से अधिक इनकम डिस्क्लोज करते हैं साल की, जिसमें से 56 लाख वेतन भोगी हैं। दैट इन द लास्ट 5 ईयर्स More than 1.25 crore cars have been sold, either for business or tourism, was 2 crores in the year 2015. To be made to cleanse the system. इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने न केवल टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कदम उठाए बल्कि टैक्स चोरों पर नकेल कसने के लिए भी फैसले लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी एंड एंटेल एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। सावधान रहने की अब आपको वाकई जरूरत है, लेकिन किन किन मायनों में अब आपको परेशानी हो सकती है आने वाले टाइम में अगर आप अभी नहीं चेते, और जो ईमानदार लोग हैं उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असीम चावला और साथ ही सुनील गर्ग जी हैं, दोनों टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ये एक हेल्पलाइन शो है तो आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। ट्विटर पर हमारे ट्विटर हैंडल पर @ZBusiness आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। FB पेज पर आप सवाल पोस्ट करके अपने तमाम टैक्स क्वेरीज भेज सकते हैं, और यही वो तरीका है जिससे कि आप समझ पाए कि आखिरकार आपके ऐसी कौन सी टैक्स की दिक्कतें हैं वो दूर होने जा रही है। लेकिन वाकई हम ये क्यों कह रहे हैं कि आखिरकार टैक्स चोर सावधान, क्योंकि वित्त मंत्री ने खुद संसद में टैक्स चोरों पर हमला करते हुए कहा था, एंड आई कोट, कि भारत में टैक्स चोरी एक जीवन पद्धति बन चुकी है और हम मोटे तौर पर टैक्स न देने वाला समाज है। बहुत सारे लोग टैक्स चुकाते हैं जिसका खामियाजा ईमानदार लोगों को भुगतना पड़ता है। और सुनील जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि खुद वित्त मंत्री भी परेशान हो गए कि 125 करोड़ लोगों की जो देश है उससे अधिक जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 3.7 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। इसलिए तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं जो लाए गए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लाया गया है वो ये है कि टैक्स अधिकारियों को अब एक बड़ा अधिकार मिलेगा। मतलब 10 साल पुराने मामलों की दोबारा जाँच कर पाएंगे टैक्स अधिकारी। वहीं 3 लाख से ज़्यादा टैक्स ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई है। बिना एसटीटी चुकाए खरीदे गए शेयर है तो कैपिटल गेंस लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 1 अक्टूबर 2004 से पहले अनलिस्टेड कंपनियों में किया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर कैश जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उस पर भी नकेल कसी गई है, सीमा घटा दी गई है। तमाम जो प्रोविजंस लाए गए हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि अब जो टैक्स चोरी करते हैं उनकी अब खैर नहीं, आप मानते हैं?
देखिए स्वाति जी, पिछले एक साल से सरकार इस पर बड़ी एक्टिव हुई है। IDS में हमने देखा था, PMLA हमने देखा था, ब्लैक मनी एक्ट हमने देखा था, और इस बार जो नोटिस आप भेजे गए हैं असेसिंग ऑफ इनको असेसीज को, उसमें उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को भी साथ में लिया है, जिसमें बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। जहाँ तक सवाल है ITOs को पावर देने का, उसमें मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ वित्त मंत्री जी से कि आप ITOs को इतनी पावर अगर दे देंगे। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास में कंप्लाइंसेज बढ़ रहे हैं, हमारे पास 90% टैक्स जो आ रहा है वो TDS के थ्रू आ रहा है, और दूसरी तरफ आप पावर दिए जा रहे हैं और हरेसमेंट की पावर, उसमें पावर्स का मिसयूज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए आप कंप्लाइंसेज को बढ़ाइए। आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पावर ज़्यादा देकर आप इंस्पेक्टर राज ही बनाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना लिटिगेशन में मैटर्स हैं, इतना डिस्प्यूट में मैटर पड़े हुए हैं, वो तो आपसे सोल्व हो नहीं रहे हैं। आप और पावर देंगे और डिस्प्यूट पैदा होंगे, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जहाँ तक सवाल है कंप्लाइंसेज का, ये मैं मानता हूँ कि कंप्लाइंसेज बढ़ने चाहिए, और सरकार कंप्लाइंसेज बढ़ाने के लिए नए नए टैक्सेस देने प्रोविजंस ला रही है। जैसे एक प्रोविजन आ गया, आप 3 लाख रुपये तक अगर आप कैश में पे करते हैं तो आपको 269 में एक नया प्रोविजन आ गया है कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ को पेनल्टी लग जाएगी। ये उनके लिए है जो लोग कैश में शादियों में जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, जो कैश में ज्वेलरी खरीद रहे थे, उनके लिए प्रोविजंस आ गए हैं। दूसरा, वित्त मंत्री जी ने इस पर एक नया प्रोविजन डाल दिया है कि अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं, अभी तक आपको 1 साल का टाइम मिला करता था, बल्कि 2 साल का टाइम मिला करता था, अब यह है कि अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं, 31 जुलाई जैसे आपकी ड्यू डेट है सैलरी के लिए, बाकियों के लिए 31 सितंबर है, तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और 30 दिसंबर तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। दूसरा, आपने सवाल पूछा था 1/10/2004 से पहले STT के बिना अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो उस पर आपको टैक्स लगाने की बात है। इसमें बड़ी एम्बिग्यूटी है इस प्रोविजन को लेकर, क्योंकि आप अभी तक क्या प्रोविजन था कि अगर आपने कोई शेयर्स परचेज किए हैं और आप उसको होल्ड करते हैं 1 साल तक लिस्टेड शेयर को, और अगर अनलिस्टेड शेयर 2 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात ही आपकी, लेकिन पीछे क्या हुआ कि पेनी स्टॉक की बहुत सारी कंपनी आई जिसमें लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया। डिपार्टमेंट कहता है कि ये सब पेनी स्टॉक्स थे, आप इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन इसकी आड़ में क्या हुआ कि जिन पी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा था 1/10/2004 से पहले, अब उनके लिए मुसीबत का समय आ जाएगा कि जो कंपनियां पी इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है अगर वो लिस्ट होकर बाहर होना चाहेंगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% होगा, शॉर्ट टर्म पे 15% होगा। तो ये एम्बिग्यूटी है, इसको ठीक करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। जी कुछ अब, क्योंकि अब ये ऐलान भी हुआ कि 1 अप्रैल 2017 से गार आ जाएगा, जैसे सुनील गर्ग जी आप भी कह रहे हैं कि टैक्स अधिकारियों को जो बड़ा अधिकार मिला है उससे हो सकता है इसका मिसयूज पावर हो। क्या सरकार यहाँ पर लोगों को डराकर टैक्स वसूलने की कोशिश करें कि वाकई टैक्स चोरों को ये समझाया जा रहा है कि टैक्स चोरी एक बहुत बड़ा गुनाह है, वो करने की जरूरत नहीं है, और इस पर असीम चावला आपका टेक लेना चाहेंगे। देखिए स्वाति, डरा के आप इनकम टैक्स कलेक्ट शायद कर सकते हैं, बट वो जो पद्धति वाली बात है कि भाई ऐसा एक माहौल पैदा हो, एक देश में ऐसा रुझान हो कि टैक्स देने वाला गर्वान्वित महसूस करे और एक जनरल कल्चरल फीलिंग ऐसी आए कि इट इज़ दैट वी आर फीलिंग प्राउड टू बी टैक्स पेयर, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी टैक्स पॉलिसी अगर आप पिछले 20 साल की देखें, चाहे पिछले गवर्नमेंट का देखें या इस गवर्नमेंट का देखें, टैक्स पॉलिसी में कोई ऐसे फेरबदल नहीं हुए जहाँ पर टैक्स कंप्लायंस को इनकरेज किया गया हो, यहाँ या जहाँ पर इंसेंटिव टू पे टैक्स हो। अगर मान लीजिए मैं 100 रुपये टैक्स देता हूँ और अगले साल मैं 110 रुपये टैक्स देता हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसी पे ही एक हमारे को लीनियंसी तरह से देखनी चाहिए कि ही इज़ अ गुड टैक्स पेयर, ये एक अच्छा करदाता है। आपने टैक्स फाइलर्स तो बहुत सारे ऐड किए, टैक्स पेयर्स ऐड नहीं किए। अभी आपने जो आंकड़ा बताया 3.7 करोड़ का, उसमें 1,70,00,000 तो टैक्स फाइलर्स हैं, टैक्स पेयर्स नहीं है। पिछले 2 साल में आपने 76,00,000 टैक्स फाइलर्स ऐड किए, वो शायद टैक्स पेयर्स भी नहीं है। अब आप इसको पूरे ओवरऑल मैकेनिज्म से देखें तो आई थिंक अब गवर्नमेंट को ये एहसास होता है कि या तो आप कैशलेस रूट अपनाइए अपना टैक्स बेस बढ़ाने का, या आप रिट्रीब्यूशन या डिटरेंस जिसे हम कहते हैं कि डरा के कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो 1 नवंबर से हमने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया। और बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जो 1 नवंबर से जिसमें खूब फेरबदल किए गए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक सोफिस्टिकेटेड लेजिस्लेशन है, उसमें इनकम टैक्स एक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, हालांकि जो ब्लैक मनी एक्ट था वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस है। तो इस सब चीज़ों को अगर आप इकट्ठे करके एक इसको एक कोलिजियल तरीके से देखें तो सरकार की टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए स्ट्रेटजी की यहाँ पर बात हुई है, इस पे जी जी और भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये टैक्स हेल्पलाइन शो है, इसलिए हम लोगों की भी राय उनके क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। और सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ कॉलर बाराबंकी से सचिन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सचिन जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछे क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मुझे दो सवाल है मैम। तो एक तो ये है कि टैक्स से रिलेटेड ये सवाल है कि जैसे मैं नौकरी पेशा हूँ, ठीक है मैम, तो जैसे मुझको जो पैसा जो लास्ट ईयर का जैसे मिला हुआ है तो वो जैसे मेरा इस ईयर की इनकम में जैसे वो लेट मिला हुआ है मुझको सैलरी का, तो क्या इस बार की सैलरी में जैसे जुड़ जाएगा? ठीक है, तो वो अगर 5 लाख के ऊपर हो रहा है मैम तो मेरा ये 20% में जुड़ेगा या 5%? ठीक है, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि मैम जो आपके जनधन के खाते थे मान लीजिए, ठीक है, तो उनमें जिन्होंने जो थोड़ा बहुत जिनका रियल पैसा है, ठीक है, ब्लैक मनी नहीं है सपोज जाए, उन्होंने अगर अपना पैसा उसमें जमा किया है 20,000 40,000 जो भी, तो उस पे रोक लगी हुई है, तो वो अकाउंट कब तक एक्टिवेट होंगे कोई जानकारी है विभाग की? ठीक है सुनील गर्जी, इनका इनके क्वेरी का आंसर बताइए। नहीं, आपके सवाल का पहला जो पार्ट है उस पे आपने लिखा है कि आपको टैक्स आपको जो पैसा मिला है वो इस साल मिला है। देखिए सैलरी जो टैक्सेबल होती है वो ड्यू बेसिस या रिसीट जो भी अर्लियर होता है उस पर होती है। अगर आपको सैलरी लास्ट ईयर ड्यू हो गई होगी तो आपके एम्प्लॉयर ने उस पर टैक्स काट लिया होगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा आपको सैलरी के स्लैब में जा रहे हैं तो आपको 20% स्लैब ही देना पड़ेगा उसमें, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जहाँ तक सवाल जनधन अकाउंट को लेकर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि उसमें कितनी विड्रॉल्स या कितनी अलाउड है, और अगर आपके पास में सोर्स डिक्लेयर है तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से सागरिक जी है, बहुत स्वागत है सर आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? सर आई एम सागरिक कालिंग फ्रॉम हैदराबाद। एक्चुअली आई एम ए वीडो, माय हस्बैंड वाज इंजीनियर एंड ही इज एनआरआई। तो उनके पैसों से मैंने रिसेंटली एक घर लिया है और बाकी के 30 लाख की डिपॉजिट किए हैं, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा? सुनील जी आपके पैसे विदेश से आपके पति ने भेजे आपके पास? जी मैं भी हम लोग मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे दुबई में मोर देन 35 इयर्स। उसके बाद ऑन ड्यूटी ये आए, उनके बाद डेथ हो गई, 2 इयर्स हो रहा, तो मैं एक फ्लैट ली और तो थोड़े पैसे भी फिक्स डिपॉजिट की। हाँ तो हमारे देश में फ्लैट लेने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, फ्लैट बेचने पे टैक्स लगता है। और अगर आपको आपके हस्बैंड से कोई पैसा मिला है और आपने उसको डिपॉजिट करवाया, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली जो उनका जो कह रहे हैं सवाल है कि टैक्स पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कर दूं ऑलराइट, और क्लबिंग भी लागू नहीं होगी। चूंकि आप बता रहे हो कि डेथ हो गई है, इसलिए क्लबिंग भी लागू नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक और सवाल है गुजरात से गिरीश जी का, इन्होंने हमें इनफैक्ट व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है। इनका कहना है कि LIC में इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट लिमिट में आएगी 3 लाख के ऊपर है या नहीं? इनफैक्ट असीम मैं आपसे जानना चाहूंगी, LIC से रिलेटेड सवाल है इनका, इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने? हाँ तो देखिए एग्जेम्प्ट अभी LIC के लिए चल रहा है, तो इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी LIC और NPS में फ़र्क है, NPS और LIC को आप इक्वेट नहीं करते, तो वो अभी वो एग्जेम्प्ट की पद्धति पे ही है। एक मेरे को छोटा सा इंटरवेंशन करना था पिछले सवाल में, चूंकि वो नॉन रेजिडेंट थे तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज का एक छोटा सा पहलू है कि इनहेरिटेंस जब होती है तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस के प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता, तो वो विडो मैडम को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट असीम जी यहाँ पर हम कुछ और सवाल लें, उससे पहले आपसे वेरी क्विकली मैं जानना चाहूँगी कि जो मैंने इनफैक्ट सुनील गर्ग जी से भी पूछा था कि एक और जो प्रावधान है, चलिए इससे पहले हमारे पास एक कॉलर भी आ गए हैं गोरखपुर से, मधु सिंह जी हमारे साथ। जी मधु जी पूछिए अपना सवाल। हाँ मेरा सवाल ये है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, तो हमारे हस्बैंड जो है सारा घर का खर्चा चलाते हैं, यहाँ तक कि हमारा भी चलाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी सैलरी सेव कर सकते हैं पूरी? सुनील जी ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप सारा खर्चा बचाती हैं अपनी इनकम और आपके हस्बैंड आपको चला रहे हैं आप सारा खर्चा। अगर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं है, हाँ उस पर जो इनकम आएगी
उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर टैक्स नहीं देना चाहते तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में या PPF में जहां आपको टैक्स ना लगे। और राइट, अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर हर्ष जुड़ गए हैं। हर्ष जी पूछिए आपका सवाल। नमस्कार। पूछिए पूछिए। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने एक घर खरीदा था, बिल्डर ने मुझे वादा किया था कि 3 साल में वो मुझे घर दे देगा, लेकिन 8 से 10 साल हो गए अभी तक मुझे वो घर नहीं मिला, तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? असीम जी, यहाँ पर पोजेशन की प्रॉब्लम हमेशा की तरह। हाँ बिल्कुल स्वाति, ये हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी आपके साथ एक गोष्ठी की थी इस पर। अगर तो देखिए, आपने कोई पोजेशन रिलेटेड कोई इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ले रखी है तो उसमें कोर्ट जजमेंट्स काफ़ी आजकल एक बड़ा एक बिनाइन व्यू ले रही हैं, सकारात्मक व्यू ले रही हैं टैक्स पेयर्स के हक में, कि भाई पोजेशन में अगर डिफॉल्ट का कारण टैक्स पेयर नहीं है और बिल्डर्स हैं, तो पोजेशन रिलेटेड अगर आपने कोई टाइमलाइन रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो उस पर कोर्ट्स का बड़ा एक पॉजिटिव और बिनाइन सा एक व्यू पॉइंट है। अब जहाँ तक आ गई आपकी बात, कोई कानूनन अगर आप उसमें आप देखिए कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, और अब रियल एस्टेट गाइडलाइंस जो रेरा है RE और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आ रही है, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा बिल्कुल खटखटा कर सकते हैं। और वैसे भी रियल एस्टेट आजकल काफ़ी बैकफुट पे है डेवलपर्स, तो आप कोर्ट को प्रीमा फेसी बता सकते हैं कि इन्होंने वायदे अनुसार नहीं किया और आपकी अनजस्ट इनरिचमेंट हो गई, आपकी तरफ से सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान सब हो गया, तो आप बिल्कुल आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट आपकी तरफ काफ़ी नरमी से मैंने जैसे कहा पेश आएगा। जी, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जामनगर से राहुल जी हैं। राहुल जी पूछिए क्या सवाल है आपका। मैंने 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था वाइफ के नाम से इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और 5 ईयर्स पहले, जिसपे मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया वाइफ के नाम पर ही, तो अब जो फिक्स डिपॉजिट से जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर मैं वाइफ मेरी हाउस वाइफ है, काम नहीं करती हैं, तो अगर वो टैक्स फाइल करें और तो क्या मैं टैक्स सेव कर सकता हूँ? क्या वो भी मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा, या वाइफ अगर अलग से टैक्स फाइल करें तो वहाँ टैक्स सेव किया जा सकता है? सुनील जी, देखिए आपके सवाल के दो पहलू में समझा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आपने पहले जो पैसा इन्वेस्ट किया था आपने लगाया था वो पैसा? हाँ, मेरा पैसा था वो। आपने पैसा लगाया, आपने बड़ी समझदारी का काम किया कि आपने पहले पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट आया, उस पर टैक्स नहीं लगा आपको, ठीक बात है? इक्विटी म्यूचुअल फंड था, इक्विटी म्यूचुअल फंड का टैक्स नहीं था। लेकिन अगर आप अब उस पैसे को, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली आपका ही है, तो क्लबिंग प्रोविजंस लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप वो पैसा वहीं लगाइए जहां पर टैक्स के, जहां टैक्स इनकम से एग्जेम्प्ट हो, आप उस द्वारा पैसे को इक्विटी में लगाइए। अगर आप FDR में लगाएंगे तो पूरे पूरे चांस है कि आपको सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है, SMS के थ्रू एक और सवाल लेते हैं। इस वक्त दिल्ली से विजय जी हमें सवाल पूछ रहे हैं, और असीम जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, 3 लाख के ऊपर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट की छूट होगी जैसे कि पहले थे, या अब सिर्फ 3 लाख की इनकम ही फ्री है, ये इनका सवाल है। हाँ बिल्कुल, चूंकि रिबेट को छेड़ा गया है तो 3 लाख तक के ऊपर कोई टैक्स पेमेंट नहीं होगी, जो स्लैब के लाने से रिबेट को रिकॉन्फिगर किया गया है, तो 3 लाख तक इनको बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ATC में ये पैसा लगाते हैं तो 4.5 लाख तक भी इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, एक और कॉलर लेते हैं जल्दी से। गुरुग्राम से हमारे साथ विनोद जी इस वक्त है। जी विनोद जी पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं विनोद कपूर बोल रहा हूँ गुड़गांव से, DLF Phase 3 से। जी, मेरे पास काफी शेयर्स हैं जो डीमैट हुए हुए हैं, लेकिन 2004 से पहले के परचेज किए हुए हैं, और वो मेरे और मिसेज के जॉइंट नाम से हैं, तो अगर मैं उसको जो है, तब तो STT होता ही नहीं था परचेज के ऊपर, तो मैं अगर उसे जो है बेचता हूँ तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा? अगर मैं 31 मार्च से पहले बेचना पड़ चाहिए या उसे 31 मार्च के बाद हम बेच दिया तो? सुनील जी, हम इनफैक्ट यही चर्चा कर रहे थे कि जो STT लगाने की बात की जा रही है, 10% लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा 1 अक्टूबर 2000 पहले से अनलिस्टेड कंपनियों के लिए, और इनकी जो खरीद है वो 2004 की है। डीमैट नहीं, आपकी अनलिस्टेड कंपनी की खरीद है या लिस्टेड कंपनी की खरीद है? आपका शेयर लिस्टेड है जिसका ICICI बैंक है, RIL वगैरह है।
नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपने उसको स्टॉक एक्सचेंज से पहले खरीदा हुआ है, चाहे वो डीमैट नहीं हुआ है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस पर क्लेरिफिकेशन आप बाकी है, इसके इश्यूज हमने रेज किए हुए हैं अभी कि उसमें एम्बिग्यूटी है इस सेक्शन में, क्योंकि ये जो प्रोविजन लाया गया है ये पेनी स्टॉक को देखते हुए लाया गया था कि पीछे रिपोर्ट्स आई थी बहुत सारे लोगों ने फर्जी कंपनी बना के स्टॉक एक्सचेंज में रेट बढ़ा के लिया है, तो उस पर क्लेरिफिकेशन आनी बाकी है। पर अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से पहले खरीदा हुआ है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जी, इस वक्त एक और सवाल है प्रतापगढ़ से, साजिद जी हमें सवाल पूछ रहे हैं, इनका ये कहना है, और असीम जी आपके लिए सवाल है, 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वालों को ही रिटर्न भरना होगा या फिर उससे कम कमाई वालों को भी? नहीं नहीं, टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा क्योंकि आप रिबेट या सेक्शन 80C के माध्यम से डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, तो टैक्स रिटर्न जरूर आप फाइल कीजिए और उसमें पूर्ण तरीके से अपने सारे बैंक अकाउंट्स और सब चीज़ों को डिस्क्लोज कीजिए। ऑलराइट, टाइम कम है लेकिन सवालों की जो फहरिस्त है काफ़ी लंबी है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि फेसबुक पर आप हमें सवाल ज़रूर पोस्ट करते रहे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं फेसबुक के जरिए आपके इन तमाम सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल असीम चावला जी, सुनील गर्जी हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम सवालों की क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। लेकिन बताएं आपको कि ऐसे शोज हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे जिसमें आपकी टैक्स से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है हमारे एक्सपर्ट ज़रूर सुलझाएंगे। फिलहाल इस शो में बस इतना ही।